चलिए आगे बढ़ेंगे। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लास एक्सपोर्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में जलकर लाखों की संपत्ति राख हो गई है। फायर ब्रिगेड के सहारे हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आसपास के लोगों को घरों से निकाला गया बाहर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से ये भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फिरोजाबाद का ये मामला है, ग्लास एक्सपोर्ट फैक्ट्री है जिसमें ये अचानक से भीषण आग लगी और शुरुआती दौर में ये जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लग सकती है। आसपास के लोगों को घरों से बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है और देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड भी मशक्कत कर रही है इस आग पर काबू पाने की। फिरोजाबाद का ये पूरा मामला, माना जा रहा है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी हो, लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि कैसे भी करके इस आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। तो ग्लास एक्सपोर्ट फैक्ट्री फिरोजाबाद की, अचानक से इसमें भीषण आग लगी और देखते देखते आग जो है वो पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जिसके बाद आसपास जो लोग थे उन्हें बाहर निकाला। और अब खबर हरिद्वार से, जहां आग के गोले में तब्दील हुई कार। होटल के बाहर कार में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया है। कनखल थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज के पास की घटना है। हरिद्वार की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से देखते देखते जो आग थी पूरी तरह से फैल गई, जिसमें कार जलकर खाक हो गई है। और हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कनखल थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एपी गंगा पर आप देख रहे हैं। होटल के बाहर ये कार खड़ी थी और अचानक से इसमें आग लग गई। देखते देखते आग पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार जलकर खाक हो गई। हालांकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया। कनखल थाना क्षेत्र इंटर कॉलेज के पास की ये घटना है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। देखिए किस तरीके से होटल के बाहर अचानक से कार खड़ी थी, जिसमें देखते देखते आग लग गई। लेकिन समय रहते रात की बात यह है कि फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया है। कनखल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उसके पास ये घटना पेश आई और अब आग पर काबू पा लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।